कोरोना संक्रमण से बचाव के ईंट निर्माता संघ ने प्रधानमंत्री केयर एवं मुख्यमंत्री डिस्टेंस रिलीफ फंड में 2.5 लाख रुपए की राशि का चेक पिपराइज के विधायक महेंद्र पाल सिंह के द्वारा जिलाधिकारी को दिया गया। इस दौरान ईंट निर्माता संघ के कोषाध्यक्ष संजय सिंह, महामंत्री अर्जुन बलानी, सह महामंत्री राजेश बलानी, उपाध्यक्ष अशोक जायसवाल, ब्लॉक प्रमुख पिपराइज आनंद शाही उपस्थित रहे। इसी क्रम में लिटिल फ्लावर मिशन एजुकेशन सोसाइटी द्वारा 5 लाख का चेक जिलाधिकारी के विजय पांडियन को दिया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए लिटिल फ्लावर स्कूल चरंगावा के प्रधानाचार्य फादर जोजो ने कहा, गोरखपुर नियम एक्स्ट्रा डाल देते हैं कि आपके लिए कम लग रहा है। सॉरी, you can give it to our, we are having a community kitchen where we have a separate network for distribution. Yes. You can just, if you possible, then Lucknow Club mein hai, you can able to, यदि तो आप यहाँ ला सकते तो ठीक है, नहीं तो हम लोग आदमी बेच देंगे। फाइन, देखिए वी आर नॉट अलाउइंग एनीबडी टू डिस्ट्रीब्यूट, वी विल डिस्ट्रीब्यूट, यू जस्ट सप्लाई टू अस। माई फादर जोजो लिटिल फ्लावर स्कूल का प्रिंसिपल है, चरगावा स्कूल का प्रिंसिपल। तो लिटिल फ्लावर मिशन एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से हम लोग 5 लाख का अभी चीफ मिनिस्टर के डिस्ट्रेस रिलीफ फंड में दिया है, और इससे पहले हम लोग प्राइम मिनिस्टर का रिलीफ फंड में भी 7 लाख का कंट्रीब्यूशन किया है। इसके साथ साथ हम लोग अभी जो गरीब लोग हैं उन लोगों के लिए हमारे सभी स्कूलों से हम लोग 200-300 ऐसे पैकेट में नेसेसरी मटेरियल्स घरों में पहुंचाने के भी परमिशन डीएम साहब से अभी ले लिया है। ये सब मटेरियल अभी किचन में और विलेज में बांटने का प्रोग्राम है। क्या मकसद है आर्मी से? मोटो क्या है? मोटो क्या है, तो चैरिटी करना है लोगों के लिए, इस मुसीबत के समय में लोगों को मदद करने के लिए हम लोग आगे आ गया है।